हाय दोस्तों, मैं राहुल हाजिर हूँ अपने नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज मैं आपको इस विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप मुझे मेडिसिन्स के अलावा विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में भी बताएं। तो हाजिर हूँ दोस्तों। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ प्लीज़ जो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके 6 यूज़ेस के बारे में आपको बताऊँगा आज, जिसमें से पहला है वो है एज अ लिप बाम। आजकल ठंड में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा रुखड़े हो गए हैं, फट रहे हैं। तो दोस्तों इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले तो आप एक हनी का पैकेट ले लो, कहीं से ही मार्केट में मिल जाएगा। और उसे 1 टीस्पून किसी भी कटोरे में निकाल कर और इसके को एक कैप्सूल्स को उसमें फाड़ कर डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। और इसे रात को सोने से पहले अपने लिप पे अप्लाई करें और सुबह को आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। ये होगा क्या कि आपके लिप्स को स्मूथ और ग्लोइंग बनाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा यूज़ ये है कि एज अ फेस ब्यूटी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप डेली के जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करते हो उसमें बस इसे एक कैप्सूल्स फाड़ कर डाल दो और अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। ठीक है दोस्तों, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके फेस के रिंकल्स और आपके कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है डार्क सर्कल्स। तो दोस्तों ये डार्क सर्कल्स मीन्स ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आप जानते हो कि आलमंड ऑयल आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, तो आप आलमंड ऑयल में इसे एक कैप्सूल्स को मिक्स करके अच्छे से आप अराउंडिंग आइज को, जैसे कि आपने कहीं ब्यूटी पार्लर में गया होगा तो देखे होंगे कि आपके आंखों पे खीरे रखते हैं, जो जितने एरियाज कवर करते हैं उतने एरियाज आप इसे इस तेल से कवर कर लें। अगर आपके पास आलमंड ऑयल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। और नंबर 4 है वो है हील रिपेयर, जो कि आजकल ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लेडीज़ को कि उनको काम करते करते उनके पैर फटने लगते हैं। तो दोस्तों आप इस कोई भी पेट्रोलियम जेली लें मार्केट से और उसमें एक विटामिन ई कैप्सूल्स फाड़ कर मिला लें, मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और इसे अपने हील पे अप्लाई करें। दोस्तों इससे बहुत ही इंस्टेंट रिलीज मिलेगा आपको और ये बहुत ही कम टाइम में आपके हील कर देगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 है वो है हैंड रिंकल्स। लोगों के बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि जो भी लेडीज़ हैं गर्ल्स हैं वो मार्केट में जाती हैं और कभी कभी आजकल इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि उनके हैंड अक्सर अक्सर उनमें रिंकल्स आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप करें क्या कि मार्केट से कोई भी एस क्रीम होता है वो क्रीम खरीद लें और उसमें विटामिन ई कैप्सूल्स फाड़ कर डाल लें और उसे अच्छे से अपने हैंड पे पूरे अच्छे से जेंटली मसाज करें 10 मिनट्स तक। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें तो ये आपके हैंड के जितने भी रिंकल्स होंगे उसे बहुत ही आसानी से क्लियर कर देगा और आपके हैंड को बहुत बहुत खूबसूरत बना देगा दोस्तों। और 6 नंबर में है जो कि बाल को लंबा कैसे करना है। दोस्तों ये बाल में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये विटामिन ई कैप्सूल है जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आप जो भी यूज़ करते हो उसे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो तो मस्टर्ड ऑयल में आप इसे एक कैप्सूल फाड़ कर ढालें और अच्छे से उसे मसाज करें अपने बालों पर। दोस्तों मैं आपको आलमंड ऑयल या कोई और ऑयल नहीं यूज़ करने को कहूँगा क्योंकि इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है, इसलिए मैं आपको मस्टर्ड ऑयल का सजेस्ट करूँगा। तो दोस्तों ये सारे 6 यूजेस हैं इसके जो कि डेली बेसिस पे हैं और बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों आप इसे यूज़ करें अपने घर पे और इसका कोई भी रिएक्शंस नहीं है दोस्तों, और ये मात्र 10-15 रुपये में मिल जाएगी आपको किसी भी मार्केट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, एंड मिलता हूँ अपने अगले ट्यूटोरियल में।